गुड इवनिंग बच्चों, आज हम करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। पीछे हमने पढ़ा था कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आज हम स्टडी करेंगे डिसजॉइंट सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट सेट्स? तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ एक बच्चों डेफिनेशन की, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। अगर ए और बी कोई दो सेट हैं और उनकी इंटरसेक्शन क्या बच्चों? एम्प्टी है। यानी कि एम्प्टी क्या होता है बच्चों? कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट इज इट मीन्स बच्चों कि देर आर नो कॉमन एलिमेंट या मेंबर बिटवीन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं बच्चों। अभी एग्जांपल यहाँ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई सेट हम यहाँ पर ले लिया बच्चों, ए बी सी और डी। अगर कोई हमने एग्जांपल ले लिया बच्चों, कोई सेट हमारे पास क्या है, ई एफ जी एंड एच। हमारे पास दो सेट है बच्चों, इन दोनों की इंटरसेक्शन हम यहाँ की इंटरसेक्शन मीन्स बच्चों कॉमन पॉइंट दोनों के। ओके, यहाँ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको फाई से है, देखिए एमपीटी यहाँ पर। ओके बच्चों, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके बच्चों, ये रिक्त है बिल्कुल, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, एमपीटी। हाँ जी, अब वेन डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास कोई, या कोई सेट ए और ये अगर कोई सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स फोर एलिमेंट कंटेंट है, ए बी सी एंड डी, और बी में ई एफ जी एंड एच। अब यहाँ देख रहे हैं इनमें कोई भी आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके, दोनों ही डिफरेंट डिस्टिंक्ट सेट है तो एमपीटी है और ये कहलाएंगे आपके डिसजॉइंट सेट्स। ओके, कोई और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एमपीटी। क्योंकि इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। एक हमने यहाँ कोई सेट दे लिया बच्चों ऑड नेचुरल नंबर का। ओके बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर का ले लेंगे और दूसरा हम कोई सेट दे लेंगे अनदर सेट इवन नेचुरल नंबर का। ओके, इवन नेचुरल नंबर का, तो दोनों में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एमपीटी, बिकॉज देर आर नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। ओके, तो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगला हम बच्चों बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कोई सेट है बच्चों, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। हाँ जी, यहां बच्चों सबसे पहले के डेफिनेशन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट ए। सपोज करो हमारे पास कोई सेट ए है, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट ए इज द सेट विच कंटेन्स ऑल दोज मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू का यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों, बट यूनिवर्सल सेट यू दैट कॉमा यहां डालेंगे, दैट डू नॉट बिलोंग डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट ए।
इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट ए, दिए गए सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हाँ जी बच्चों, इट मीन्स क्या, देखो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट ए इज ए सेट, दिए गए सेट का कॉम्प्लीमेंट वह सेट होता है विच कंटेन्स ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट के सभी मेंबर्स को, एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, दैट डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट ए, जो दिए गए सेट में बिलोंग नहीं करते, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट ए, दिए गए सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट इज डिनोटेड बाय एंड इज डिनोटेड बाय, उसका सिंबल होता है बच्चों ए डैश बोल रहे बच्चों, तो ए डैश का सिंबल होता है, ए डैश लिख लीजिए बच्चों या ए सी लिख लीजिए आपको, ओके। तो दोनों का मतलब बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट ए। अब एक एग्जांपल लेते बच्चों, हमने कोई एग्जांपल कंसीडर कर लिया बच्चों, जैसे वन टू थ्री फोर, ये कोई ए सेट है, यूनिवर्सल सेट हमने कोई ले लिया बच्चों 1 2 3 5 9, ओके बच्चों, इस टाइम ये हमने ले लिया पर, हमने निकालना ए कॉम्प्लीमेंट निकालना बच्चों, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का u माइनस ए के रूप में बच्चों, u में से ए वाले तो माइनस करने हैं और यू ए वाले एलिमेंट बिल्कुल नहीं आपने लिखने हैं, चाहे वो ए वाले एलिमेंट बिल्कुल नहीं लिखने आपने, चाहे वो यू में हो या नहीं हो, आपने ए वाले सभी एलिमेंट को छोड़ना है, यू वाले एलिमेंट लिखने आपने और वो भी वो लिखने हैं जो ए में मैच नहीं करते। तो यहां लिखते हैं यू सेट 1 2 3 5 9 माइनस, सेट ए क्या दिया 1 2 3 एंड 4, तो माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से दिया गया सेट, तो यहां पर क्या 1 नहीं करेंगे क्योंकि ए में मैच करता है, 2 भी नहीं लिखे बच्चों क्योंकि ए भी मैच करता है, 3 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ए भी मैच करता है, 5 हाँ जी 5 लेंगे क्योंकि 5 ए में नहीं है, ओके, 9 भी नहीं बच्चों क्योंकि 9 भी 5 यू में नहीं है, 4 देखो 4 एलिमेंट है वो यहाँ नहीं है यू में, लेकिन इसे नहीं लिखा जाएगा, चाहे वो यू में बिलोंग करता हो या नहीं करता हो, ए वाला सेट का कोई भी एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखा जाएगा, एलिमेंट जो लिखे जाएंगे बच्चों ए के कॉम्प्लीमेंट में वो केवल यूनिवर्सल सेट के लिखे जाएंगे और वो भी वो लिखे जाएंगे जो ए में बिलोंग नहीं करते, ओके बच्चों, इस टाइप से ऐसे निकालेंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे वेन डायग्राम से निकालते हैं, वेन डायग्राम से निकालते हैं कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है बच्चों, यहाँ देख लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया है और ए कोई सेट दिया मेरे पास, ए कोई सेट यहाँ पर दिया है, ए सेट में 1 2 3 और 4 एलिमेंट है और बाकी हमारे पास जो भी एलिमेंट यहाँ कंटेंट है आपके पास, हाँ जी, तो इसमें हमने क्या लिखनी है, इसमें से वो एलिमेंट निकाल देंगे, इस वाले छोड़ देंगे बच्चों और इस वाले क्योंकि इसके अंदर ये भी है और बाकी क्या है इसमें, जैसे हमारे पास एलिमेंट आ गए 5 और 9, ओके, तो इसमें से ये छोड़ देंगे और बाकी जो हमारे पास ये एलिमेंट है ये इनको लिख देंगे, ओके। यू में क्या था, यू के अंदर 1 2 3 4 भी आ बच्चों और 5 है, ओके। उसके बाद हम निकालना आपको सिखाएंगे डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इससे पहले हम आपको एक प्रॉपर्टी करवाते हैं बच्चों यूनियन की। देखो हमारे पास सपोज करो हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना यू हमारे पास दिया यूनिवर्सल सेट अगर सबसेट ए का, तो हमने कॉम्प्लीमेंट तो इसका निकालना है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आएगा तो हम लेंगे ए डैश हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ओके बच्चों। अगर हमें यहाँ निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों की यूनिट क्या आएगी, यूनिवर्सल सेट आएगी। अगर हमने निकालनी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो वो हमारे पास आएगा 5 आएगा बच्चों, ओके। इस टाइप से हमने यहाँ निकालने हैं, तो ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम यहाँ करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, इससे पहले बच्चों में इसमें एक प्रॉपर्टी और हमारे पास, हाँ जी, इसके अंदर हमने ये बच्चों किया था, ये इसका सबसेट है, तो हमने जो निकालना था इन दोनों में जो आएगी हमारे पास, अगर हमारे पास आती है ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ निकालना है यूनियन 5, तो हमारे पास क्या आएगा, ए समथिंग आएगा हमारे पास, ओके।
यूमी सब यहाँ निकालना है। सेकंड हमारे पास जो दिया है, अगर हमने यहाँ निकालना बच्चों फाइव कॉम्प्लीमेंट तो यू आएगा, यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमारे पास फाइव आएगा। इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी थी। और अगर हमने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो ए आएगा। ओके, द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट, ओके, इज द सेट इटसेल्फ। इस टाइप से हमने रीड करनी है। द डिफरेंस अब यहां निकालेंगे, द बिटवीन ए एंड बी, ओके, एंड इज डिनोटेड बाय द ए माइनस बी या बी माइनस ए, ओके, इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी या बी माइनस ए, ओके। हमने डिफरेंस कैसे निकालने के, याद रखो, लेट सबसे पहले ए एंड बी बी द टू सेट्स, हमारे पास टू सेट्स है कोई, ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज द सेट विच द, हम सबसे पहले निकालना, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू, विच बिलोंग टू ए, विच बिलोंग टू ए नॉट इन बी, ओके, जो ए में बिलोंग करते हैं बी में बिलोंग नहीं करते, ओके, इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले एग्जांपल यहां लेते हैं, हम यहां पर ले लो 1 2 3 4 5, बी कोई सेट यहां ले लो बच्चों, 1 2 3 4, ओके, इस टाइप से हमने निकाला ए माइनस बी, तो ए हमारे पास क्या 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास दिया 1 2 3 4। तो यहां देखेंगे हमने बच्चों निकालना ए वाले, ओके, जो ए में बिलोंग करते हैं, तो ए में बिलोंग क्या करेंगे 1 2, बी में बिलोंग नहीं करते तो यहां ओनली 5 आएगा बच्चों, ओके, ये हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। इस टाइप से हम निकालेंगे, ओके, वेन डायग्राम्स के फॉर्म में दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे। ये यू कोई यूनिट सेट है, एक सेट हमारे पास ये दिया बच्चों, ओके, हमने डिफरेंस दिखाना, हमारे पास ये ए माइनस, ये ए सेट है, ये कोई बी सेट है, ओके, हमारे पास जो एलिमेंट यहाँ दिए हैं सपोज करो 1 3 5 7 8, और यहाँ लिखे हैं बच्चों हमारे पास यहाँ दिया है, हम यहाँ लेते हैं 9 6, ये समथिंग हमारे पास उस एलिमेंट पड़े हैं यहाँ पर, ओके। तो अब हमने निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे शो करेंगे, अब ए वाले एलिमेंट लेंगे बच्चों, लेकिन ए इसमें बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है, ये नहीं लिखा जाएगा, 3 हमने ये वाले एलिमेंट लेंगे यहाँ, ये वाले हम एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, ओके, जो इसमें बिलोंग नहीं करते, सभी नहीं लिखने बच्चों, हमारे पास 3a 5a, ओके, इस टाइप से ये हमें एलिमेंट इसमें लिखने पड़ेंगे, बी वाले नहीं लिखेंगे हमने, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी की जो हम सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी कराते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सम और देख लीजिए बच्चों एक बार। तो बच्चों इससे पहले हमारे पास डिफरेंस के बारे में थोड़ा वेन डायग्राम बता देते हैं एक मिनट के, ए माइनस बी मीन क्या होता है वेन डायग्राम में, कि देखो ए वाले एलिमेंट लिख लें, बी वाले नहीं लिखने हैं, तो देखो ये जो मैंने डोटेड किया है यहाँ पर, इट मीन सिर्फ ये एलिमेंट लिख लें, इनको छोड़ देना, ये कॉमन वाले भी छोड़ने हैं और ये बी वाले भी छोड़ने हैं। ए माइनस बी आप यहाँ देख रहे हैं ये डोटेड है, देखो ये पोर्शन जो डार्क शेडेड पोर्शन है आपने लिखना है, बी वाला नहीं लिखना आपने, बी ये बी सेट इसके अंदर इसके एलिमेंट नहीं लिखने बिल्कुल भी, एक सेट ए और बी दोनों डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे
ये बिल्कुल आपने छोड़ना है अपने ए वाला, देखो ए वाले एलिमेंट आप लिखेंगे डॉट बच्चों, और बी वाले आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ओके, तो हमने वेन डायग्राम के बाद कुछ होता है कि ए माइनस बी कैसे निकाल लेंगे। ए माइनस बी का तो ओनली ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे। ओके, बी में भी लोग नहीं करते वो। ओके, बी वाले नहीं है, जो कॉमन एलिमेंट है वो भी नहीं लिख लेते, ओनली एंड ओनली ए, नॉट इन दी नॉट कॉमन, ना कॉमन वाले लिखे जाएंगे ना ही बी वाले लिखे जाएंगे, ओनली सिर्फ ए में है कंटेन ओनली। ओके, ये कॉमन पर्सन वाले छोड़ दें हमने बच्चों, ये नहीं लिखेंगे। ओके, ये आप सब याद देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिमिट्रिक डिफरेंस के बारे में, कि सिमिट्रिक डिफरेंस क्या होता है वो आप देख लीजिए। सिमिट्रिक डिफरेंस में हम देखो बच्चों, सिमिट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ए दैट सिमिट्रिक डिफरेंस, द सिमिट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी। ओके, अब यहां लिखा है इज द सेट, या द सिमिट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द यूनियन, इज द यूनियन ऑफ द सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ओके, ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन होता है बच्चों। ओके, जैसे हम यहां लिखते हैं सिमिट्रिक डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, इसका तो सिंपल होता है ए, ये देखो आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं बच्चों, ये ट्रायंगल, ये इसको बोलेंगे सिमिट्रिक। ओके, ए सिमिट्रिक डिफरेंस बी, ये सिमिट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है बच्चों, ए ये ट्रायंगल का सिंबल है, इसे बोलेंगे सिमिट्रिक डिफरेंस बी। और इसको जो हम यहाँ लिखे जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी यूनियन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी माइनस ए। ओके, इस बी माइनस ए, इस टाइप में इसको लिखा जाएगा बच्चों। ओके, क्योंकि दोनों की यूनियन होता है। हाँ जी, जैसे हम यहाँ ए सिमिट्रिक डिफरेंस बी, हमारे पास यहाँ देखो ये जो हमारे दिया बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग करेगा बच्चों ए माइनस बी, सेट ग्रुप में लिखते हैं इसको, सेट ग्रुप में, या और एक्स बिलोंग करता है बी माइनस ए, इस टाइप से। ओके बच्चों, ऐसे दिखाएंगे हम यहाँ। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमारे पास सेट यहाँ दिया है 2 3 5 7, और बी अनदर, बी कंसीडर अनदर सेट बी, यहाँ ले लेंगे बच्चों 2 5 8 और 9। ओके, अब हमने क्या निकालना है, दोनों का सिमिट्रिक डिफरेंस। अब इसमें ए सिमिट्रिक डिफरेंस बी में हमने क्या चाहिए, हमें जरूरत है ए माइनस बी और बी माइनस ए की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाउ हमने ए माइनस बी फाइंड आउट करना बच्चों, तो ए सेट क्या है 2 3 5 7, माइनस बी सेट क्या है 2 5 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ से जो आपके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ देखो 2 को छोड़ना है बिल्कुल, 5 को भी आपने छोड़ना है, 3 लिखेंगे और यहाँ 7 लिखा जाएगा। बी वाले बिल्कुल नहीं लिखने आपने, ना कॉमन लिखने आपने। अब निकालेंगे बी माइनस ए, बी सेट क्या हमारे पास, बी सेट दिया 2 5 8 और 9, ए सेट हमारे पास दिया है 2 3 5 और 7। हाँ जी, तो इनका देखो ए वाले बी वाले इन्हें 2 5 नहीं लिखेंगे, 8 और 9 लिखा जाएगा, 8 और 9। ओके, अब हमने निकालना ए सिमेट्रिक बी, इसके अनुसार से डेफिनेशन के अनुसार, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा, यूनियन के रूप में। ए माइनस बी क्या थी बच्चों हमारे पास, ए माइनस बी आई है 3 और 7 यूनियन, और बी माइनस ए का सेट क्या था मेरे पास 2 8 और 9 8 और 9, दोनों यूनियन निकालेंगे 3 7 8 एंड 9, तो आपका ये आ जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इस टाइप से निकाला जाएगा बच्चों। ओके, ऐसे निकालेंगे ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, हाँ जी, एक बार देख लीजिए इसको, इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज आपने इतना ही करना है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले डिजॉइंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी का डिफरेंस क्या होता है, सिमिट्रिक डिफरेंस क्या होता है, और इनके इनसे रिलेटेड एग्जांपल है, आपने इनको स्टडी करना है, इस रिलेटेड जो सम है वो आपने निकालना है। थैंक यू फॉर दिस।